गंज बासुदा के पास ग्राम बनवा जागीर में काफी लंबे समय से बिजली की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीण परेशान है, लेकिन इस समस्या का स्थायी हल नहीं निकल पा रहा है। बीते दिनों बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पश्चिमा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया था। इसके बाद ग्रामीणों को प्रशासनिक अधिकारी और बिजली कंपनी के अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि गांव की बिजली समस्या को दूर किया जाएगा, लेकिन गांव में बिजली की परेशानी यथावत बनी हुई है। ऐसे में ग्रामीणों को अंधेरे में रात काटनी पड़ती है और जब कभी आती है तो इतना तेज वोल्टेज होता है कि बिजली उपकरण जल जाते हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या से क्षेत्रीय विधायक लीना जैन को अवगत कराया गया था ताकि बिजली समस्या दूर हो सके और ग्रामीणों को बिजली मिल सके। इसी कड़ी में बुधवार की दोपहर करीब 1:30 बजे क्षेत्रीय विधायक लीना जैन ग्रामीणों की बिजली समस्या को दूर करने को लेकर जयस्तंभ चौक स्थित विद्युत मंडल कार्यालय पहुंची। इसके बाद विधायक लीना जैन बनवा जागीर के लिए निकल गई, जहां उन्होंने गांव में पहुंचकर ग्रामीणों से बिजली समस्या को लेकर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ बिजली कंपनी के अधिकारी भी मौजूद रहे। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पिछले बहुत समय से बनवा जागीर की समस्या विद्युत को लेकर सामने आ रही थी। आज मैं विद्युत मंडल इसीलिए डीई साहब के पास पहुंची और उनको लेके मैं आज बनवा जागीर मौके पर पहुंची थी। मौके पर मैंने ये देखा है कि क्या समस्या आ रही थी। मेरे किसान भाई और मेरे भाई वहाँ पे बहुत परेशान है विद्युत समस्या को लेकर। लाइट मिलती नहीं है और लाइट ना मिलने से उनको पानी की समस्या हो जाती है। बहुत समझ ही सकते हैं हम लोग कि क्या समस्याएँ चल रही हैं। उन्हीं को लेके आज मैं डी साहब को लेके वो समस्या का हल निकालने के लिए बनवा जागीर पहुँची। क्या निराकरण निकला? पूरा संतुष्ट हुए गांव के लोग? गांव के लोगों को मैंने आश्वस्त कराया कि लाइट उन्हें जरूर मिलेगी। अभी तो डी साहब ने लाइट चालू करवाई है, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पे क्योंकि 23 गांव की लाइट वहाँ से निकल रही है तो उस कारण से वहाँ समस्या हमेशा बनी रहती है। कोई ना कोई हल हम लोग बहुत जल्दी वहाँ निकाल। कोरोना काल को लेकर निश्चित बात है कि हर वर्ग परेशान है और शायद इसीलिए विद्युत बिल न जमा करने के कारण वो लोग परेशान है। मैंने विद्युत विभाग से बात करी है कि थोड़ा सा जो भी हल हो सके वो हल कर लें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमेशा जनता के साथ खड़े रहते हैं। आपने देखा अभी उन्होंने जनता के लिए फ्री राशन, फ्री दवाएं, फ्री वैक्सीन सब चीज़ें उपलब्ध हुई थी। अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्री वैक्सीन पूरे राज्यों में घोषित कर दी है और नवंबर तक का राशन फ्री कर दिया है। कोरोना काल का समय है, मैं लोगों की दिल की बात समझ सकती हूँ। विद्युत विभाग से भी मैं यही बात रख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।